गुड आफ्टरनून गाइस, हेलो, कैसे हो आप सब लोग? हेलो मरियम, हेलो शांतनु, हेलो मनी, हेलो खलील, हेलो वैशाली, हेलो आकांक्षा, ओके हेलो अंजी, हेलो प्रिया, ओके आकांक्षा प्रिया, परफेक्ट. ओके गाइस, सो नाइस टू सी यू ऑल हियर, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ योर प्रेडी प्लैनेट अमेरिकाना. अभी 3 बज गए हैं, 3 बजे हम लोग नीड वॉइस चैनल में तीन क्या करते हैं, वी टॉक अबाउट नथिंग बट वी डू नीड 2020 कोर्स, राइट? तो हम लोगों ने ऑलरेडी एनिमल टिश्यू, हेलो अनुषा, हेलो, तो हमने ऑलरेडी एनिमल टिश्यू हो गया था, एनिमल किंगडम हो गया था. एंड बाय द वे आज एनिमल टिश्यू का मेंटी क्विज है 5 बजे, राइट? आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट, आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू. सो टुडे एट 5 o'clock वी हैव नथिंग बट द मेंटी क्विज फॉर एनिमल टिश्यू, ओके, मेंटी क्विज ऑन एनिमल टिश्यू. हेलो निश्चल, हेलो परंपरा, ओके, हेलो अनुषा, नाइस टू सी यू ऑल हियर, वंडरफुल. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ आवर पेरीप्लैनेट अमेरिकाना. हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया था, है ना, लास्ट टाइम हमने पेरीप्लैनेट अमेरिकाना का सिर्फ मॉर्फोलॉजी देखा था, राइट? हमने लाइक उसके स्क्लेराइट के स्ट्रक्चर देखे थे, फिर फॉर एग्जाम्पल वी टॉक्ड अबाउट द लेग स्ट्रक्चर, थोरैक्स, उनके बॉडी डिवीजन देखा था, एग्डाइसिस कैसे होता है, कौन सा हार्मोन एग्डाइसिस करता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, राइट? तो आज हमें बात करना है नथिंग बट द एनाटॉमी. तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा एक स्कैल्पल, एक आपके फोर्सेप के थ्रू स्किन को निकाला गया पूरे बॉडी के, एक्सोस्केलेटन को. तो एक्सोस्केलेटन के अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर की बॉडी का पार्ट हमें पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट द एनाटॉमी. सो हम एक एक करके सारी एनाटॉमी पढ़ेंगे क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आता है, एंड वी आर गोइंग टू डीकोड एनसीईआरटी एज वेल, ठीक है? हमें दोनों ही करना है, ठीक है? परफेक्ट, वंडरफुल. ओके, हेलो हेलो गाइस, वंडरफुल. तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, सो आई वेलकम यू ऑल टू योर नीट वॉयज चैनल. इट्स वन ऑफ द चैनल अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, एंड आई एम स्वागता मुखर्जी, एंड आई हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड. आई हैव टॉट इन मेजर ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. आई हैव ऑल्सो प्रोड्यूस्ड रिजल्ट्स इन AFMC, इन आईसर पुणे, एंड मेजर MBBS कॉलेजेस ऑफ इंडिया. I have also worked as a JRF, that is Junior Research Fellow, in IIC Bangalore. I have done research there for a couple of times, but then I joined academic field here. Okay. आपको पता है कि special class शुरू हो गया है. मैं special class ले रही हूँ already, ठीक है? तो you guys can also join for the special class there. उसके लिए बस आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा. और obviously अगर आपको प्लस में जाना है तो प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है. अब क्वेश्चन है कि जाना क्यों है, क्या क्यों ज़रूरत है उसकी. देखो लाइव क्लासेस में बेटा, वहाँ पे आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी मेरा क्लास वहाँ पे अटेंड किया है, आपने देखा होगा कि वहाँ इंटरेक्शन ज़्यादा बेटर होता है. यहाँ पे ना सारे नहीं दिखते. हेलो अमृता, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल. यहाँ पे मुझे दिखता नहीं है, सारे मैसेजेस ऊपर जाते रहते हैं. तो वहाँ पे आपकी दो कॉलम्स होती है, एक इज़ फॉर द कमेंट बॉक्स एंड द अदर वन इज़ नथिंग बट फॉर यू क्वेश्चंस. यू कैन आस्क वॉट एवर क्वेरीज यू हैव. जब मैं पढ़ा रही हूँ उसी वक्त अगर आपको कोई भी टॉपिक पे कुछ भी, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ क्वेरी आया, तो आप वहाँ पे डाल सकते हो, मैं तुरंत आपके डाउट वहाँ सॉल्व कर दूंगी. तीसरा, वहाँ पे लाइव पोल्स होते हैं. जैसे कि कल ही हमने क्या किया था, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चन वहाँ डिस्कशन किया था, राइट? वी टॉक्ड अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स पार्ट वन देयर इन द स्पेशल क्लास. वहाँ मैं क्वेश्चन MCQ टाइप देती हूँ, 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD, आपको सही ऑप्शन चूज करना है. लाइव पोल्स क्रिएट होते हैं, एंड आई कैन शो द और शेयर द लीडर बोर्ड विद यू ऑल. वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है. सो दिस गिव्स यू एन एनकरेजमेंट, है ना? देन टेस्ट सीरीज होती है वहाँ पे, ठीक है? टेस्ट सीरीज में आप अपना परफॉर्मेंस देख सकते हो, ठीक है? लाइक आपको कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी आप देख सकते हो, वहाँ पे खुद एनालाइज कर सकते हो. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होती है वहाँ पे. लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस सबसे बेस्ट फीचर है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का. वहाँ पे लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में आपको जब भी कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको डाउट तो आएगा ही, राइट? तो उससे डाउट के लिए एक अलग सा सेशन हमने क्रिएट किया हुआ है. वहाँ पे आपको जो भी डाउट होता है आप पूछिए, हम आपको बिल्कुल क्वेरीज आपकी सारी सॉल्व कर देंगे, ठीक है? स्पेशल क्लासेस मेरी यूजुअली मैं 5 to 6 रखती हूँ. लाइक ट्यूसडे होती है मेरी, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन मैं लेती हूँ. बट टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे यूट्यूब पे कब क्लास नहीं है, ठीक है? उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम ऐप में मिल जाता है, ठीक है? ये हमारे कुछ बेस्ट एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के. टेलीग्राम का लिंक मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? एंड अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कुछ बेसिक से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. जस्ट टाइप अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इंस्टॉल इट, एंड देन यू जस्ट टाइप क्लिक ऑन प्लस. प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है.
फ्री कोर्सेज स्पेशल कोर्सेज बेटा ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जैसे हम लोग अभी स्पेशल क्लास जो चल रहा है मेरा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप आराम से आ सकते हो। प्लस की क्वालिटी बहुत बेटर होती है वहाँ पे, और ज़्यादा वैल्यूएबल नॉलेज दिया जाता है, तो आप बिल्कुल ये ले सकते हो। बट इसकी जो प्राइस है बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ऑफलाइन में आप जब एडमिशन ले तो आपको लाखों रुपये देना पड़ता है, यहाँ पे आपको जस्ट थोड़े बहुत पैसे देने हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप जस्ट चूज करो अपना जो भी गोल्स है प्लस में क्लिक करने के बाद। सपोज आपने नीट यूजी क्लिक किया बिकॉज यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ डॉक्टर, राइट? नो साइड, दिस इज नॉट द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ कॉकरोच। फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लास, ओके? यू कैन सी द प्रीवियस वीडियोज, नो प्रॉब्लम। नाउ यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आप ये तीन आपके लिए सूटेबल है, अगर आप इस साल के लिए अपियर कर रहे हो, नेक्स्ट साल के लिए अपियर कर रहे हो तो आप ये वाला ले सकते हो 2500 पर मंथ। अगर आपको दो साल बाद देना है 2022 में नीट देना है, आप ये वाला ले सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 1500 पर मंथ है, राइट? तो ये इससे भी ज़्यादा लो कॉस्ट पे है, इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा अगर आपने जो मेरा नाम है स्वागता SWAGATA इसको एज अ कोड अगर आपने अप्लाई किया, यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ, राइट? और जो मैं आपको बता रही थी कि हमारे टेलीग्राम ऐप में भी ग्रुप है, उसका लिंक यहाँ पे दिया गया, आप बस इस लिंक को जल्दी से टाइप कर लीजिए और नीचे ऑप्शन आएगा ज्वाइन का, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कौन सी क्लासेस कब हो रही है, कौन से सब्जेक्ट की हो रही है, कितने बजे हो रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है? और अपनी क्वेरीज भी आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक टुडे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, क्योंकि मॉर्फोलॉजी तो हमने पिछले वाले क्लास में कर ली थी, राइट? मैंने आपको सारी प्रोसेसेस बता दी थी ना। आज हम एनाटॉमी से शुरू करेंगे, तो दो एनाटॉमी आज हम पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है? परफेक्ट नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि ये नहीं है फर्स्ट पार्ट, ओके? हेलो रान, हेलो अंशु, ओके परफेक्ट, हेलो पूजा, नाइस टू सी यू ऑल हियर। सो शुड वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक? तो आज हम NCERT भी डिकोड करते हैं, राइट? तो NCERT भी हम डिकोड करेंगे, लेट्स लर्न अबाउट देयर एनाटॉमी। हु इज एनाटॉमी? कॉकरोच, ठीक है? क्योंकि यही एक एनिमल है जो आपके नीट में आता है, राइट? फ्रॉग्स एंड आपका जो अर्थवर्म है वो नहीं है, ठीक है? हाँ जी, परफेक्ट, वंडरफुल। सो लेट्स कम कंटिन्यू विद द टॉपिक। सो एनाटॉमी में सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम टुडे। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की ही पूरी पिक्चर मैंने यहाँ ली हुई है, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे और धीरे धीरे मैं सारी सिस्टम आपको बता दूंगी कि क्या क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है? ओके, लिंक क्या बेटा, आप अगर आपने नीट वॉयज का सब्सक्रिप्शन लिया है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको कॉकरोच के अंदर, ठीक है? उसके अंदर मिल जाएगा, ओके परफेक्ट। नहीं राहुल, ये बेंटी में एनिमल टिश्यू है, मैंने बताया था ना पिछले 5 दिनों से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू है। तो ये एनिमल टिश्यू थोड़ी है, ये तो आपका टाइप स्टडी है एनिमल का, है ना? तो चलो, सो एनिमल की आपकी एनाटॉमी की डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ वहाँ पे थेरीज लिखे हुए, तो सारी थेरीज हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज द एलिमेंट्री कनाल भी है उसके पास, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, जो कि हमने ह्यूमन में भी पढ़ा है, इनके पास भी वही का वही है। तो वी कैन एक्चुअली स्टडी कॉकरोच एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। तभी तो कॉकरोच का डाइजेक्शन करते हैं, वरना क्यों बेचारे को पकड़ पकड़ के मारेंगे हम लोग, है ना? कुछ तो जरूरी है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, टाइप स्टडी कर रहे हैं, मॉडल एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, राइट? ओके, नाउ एलिमेंट्री कनाल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देन विल मूव ऑन टू द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ द कॉकरोच, आज ही हम करेंगे ना। एलिमेंट्री कनाल जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट, राइट? इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके? फोर गट में क्या आता है, मिड गट में क्या आता है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो चलो, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दे हैव अ कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कब बोलते हैं, जब दो ओपनिंग्स होती है ना, एक वन ऑफ द ओपनिंग विल सर्व एज अ माउथ एंड द अदर ओपनिंग विल सर्व एज एन एनस, राइट? तो यहाँ एलिमेंट्री कनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स विद एनस, वही चीज लिखी हुई है, राइट? अब डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट इज स्टोमोडियम। स्टोमोडियम का बेटा दूसरा नाम ही है आपका फोर गट, ठीक है? कभी कभी एनसी आपके जब नीट में क्वेश्चन आएगा, फोर गट के जगह उन्होंने स्टोमोडियम सपोज ये टर्मिनोलॉजी यूज किया, तो आप डर जाओगे कि अरे ये क्या हो गया अचानक से, ये सेम ही है, फोर गट को ही स्टोमोडियम बोलते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं ये देख लेते। तो स्टोमोडियम में बेटा सबसे पहले आपका जो पार्ट आएगा दैट वुड बी नथिंग बट द माउथ, ओके? माउथ के बाद ऑब्वियसली देयर विल बी ईसोफेगस, ओके? ईसोफेगस पार्ट आएगा, ईसोफेगस के बाद आएगा क्रॉप। ये सारे पार्ट मैं आपको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करूंगी। और क्रॉप के बाद क्या आएगा, ऑब्वियसली देयर विल बी गिजार्ड, ठीक है? गिजार्ड,
ये सारे पार्ट के फंक्शंस भी हम देखेंगे, डाइजेशन कैसे हो रही है, सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे. परफेक्ट, वंडरफुल. हेलो मो, ओके परफेक्ट. हेलो विक्रम, हेलो आलोक, हेलो राहुल. ओके, क्यों नहीं मिला, प्लेलिस्ट में होगा ना, एक बार नीड वॉयस चैनल में चेक कर लो, प्लेलिस्ट में बिल्कुल होगा. अभी लिया था, आई थिंक चार दिन पहले, तीन चार दिन पहले लिया था मैंने कॉकरोच का फर्स्ट पार्ट. ओके नाउ, अब मिज़ेंट्रोन जो है, मिज़ेंट्रोन इज नथिंग बट द मिडगट. ओके, सो मिडगट में क्या क्या पार्ट है, मिडगट में आपकी मिडगट ही आती है और उसका कोई पार्ट नहीं, उस पार्ट का नाम ही है आपका मिज़ेंट्रोन या फिर मिडगट. उसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे. प्रोक्टोडियम, प्रोक्टोडियम बेटा आपके हाइंड गट को बोलते हैं, आपके नहीं कॉकरोच के हाइंड गट को बोलते हैं प्रोक्टोडियम, राइट. इसमें क्या क्या पार्ट आती है, इसमें आती है आपकी नथिंग बट योर कोलोन, इलियम, रेक्टम एंड एनस. ठीक है, ये चार पार्ट आपकी प्रोक्टोडियम में आती है. इन सारे पार्ट्स को हम देख ले एक बार डायग्रामेटिक वे में और सारे का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ, एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी बताऊंगी. ठीक है, कॉकरोच को प्लीज ध्यान से पढ़ो क्योंकि यही एक एनिमल है जो आपके नीट में आता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, सॉरी, परफेक्ट. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर. सपोज दिस इज द माउथ ऑफ द कॉकरोच. ओके, यहाँ से आपका ईसोफेगस शुरू हुआ एंड ईसोफेगस ओपन्स इनटू अ क्रॉप. ठीक है, तो सपोज ये आपका ईसोफेगस था कॉकरोच का और ये उसकी क्रॉप है. क्रॉप इज नथिंग बट द इंसेक्ट स्टमक. ओके, उसमें फूड फॉर अ टाइम बीइंग स्टोर होता है एंड देन इट मूव्स इनटू द नथिंग बट गिजार्ड, जो उसकी नीचे वाली पार्ट है. तो ये गिजार्ड हो गया. ओके, ये गिजार्ड है, राइट. ओके, तो आपकी माउथ से लेके, सो दिस इज नथिंग बट द माउथ हियर. ओके, दिस इज द माउथ हियर, दिस इज द ईसोफेगस हियर. ओके, ईसोफेगस एंड देन कम्स नथिंग बट योर स्टमक और द क्रॉप. इंसेक्ट स्टमक को हम क्रॉप बोलते हैं. ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल, राइट. समझ मारा है सबको, परफेक्ट. फिर आपका क्या आ जाता है यहाँ पे, नथिंग बट द गिजार्ड. ओके, तो यहाँ आ गया आपका गिजार्ड. गिजार्ड का एक और नाम है, वी कॉल इट एज प्रो वेंट्रिक्यूलस. प्रो वेंट्रिक्यूलस कैसे क्या फंक्शन करता है मैं बताऊंगी. तो ये सारे के सारे आपके पार्ट क्या हो गए, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ योर फोर गट. सो ये सारे के सारे आपके फोर गट के पार्ट है. सो दिस इज योर फोर गट. और क्या नाम है इसका, स्टोमोडियम भी बोलते हैं हम इसको, राइट. ओके, फिर दूसरा आपका आता है मिडगट. तो मिडगट यहाँ पे हम लोग इस कलर से बना लेते हैं. सो दिस इज नथिंग बट योर मिडगट सपोज. ठीक है, ये छोटा सा पार्ट है आपके मिडगट का. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिडगट ही होता है क्योंकि यही मिडगट है जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं. खाना खा रहे हो बट खाने को डाइजेशन ही नहीं किया तो बॉडी को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा. डाइजेशन तो करना होता है. अब डाइजेस्ट के लिए कौन जरूरी है, आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करती है. तो कॉकरोच में वो ग्लैंड सिर्फ मिडगट में प्रेजेंट होता है, ना ही फोरगट में होता है, ना ही आपके हाइंड उसके हाइंडगट में होती है, राइट. ओके, उसके अलावा लास्ट जो पार्ट आता है दैट इज नथिंग बट योर द ओके. सो यहां पे आपका आ गया नथिंग बट इलियम. ओके, इस यहां पे आ गया दिस इज नथिंग बट द कोलोन. कोलोन, दिस इज नथिंग बट द रेक्टम एंड द एनस, राइट. अब यू शुड नेवर गेट कंफ्यूज्ड कि अरे हमारा जो इलियम होता है वो तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ये इनके पूरे के पूरे, ये जो ग्रीन कलर का जितना भी मैंने बनाया हुआ है, दिस इज नथिंग बट देयर हाइंडगट. ओके, तो ये इनके हाइंडगट में आती है, फाइन. अब कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती है इन सबसे, ठीक है, वो हमें देखना है कि क्या क्या ग्लैंड्स होती है. तो सबसे पहले एक ग्लैंड होता है उनका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है विच इज नथिंग बट वन पेयर ऑफ ग्लैंड इज प्रेजेंट हियर. ओके, एक पेयर ऑफ ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट है उनके, ठीक है. वी कॉल दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट एज द सलाइवरी ग्लैंड. ओके, और ये जो उसके बीच में ओपन हो रही है, दिस इज नथिंग बट द सलाइवरी रिसेप्टिकल. ओके, ये सलाइवरी रिसेप्टिकल अंदर ओपन होती है. ऐसे इस साइड भी प्रेजेंट है, तो सपोज दिस इज द सलाइवरी रिसेप्टिकल. ओके, या रिजर्वॉयर, और उसके आसपास आपको दिखेंगी सलाइवरी ग्लैंड, एक पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. ये क्या है, ये चीज मैं आपको समझा रही हूँ डिटेल्स में, देख लीजिए. तो ये जो आपको येल्लो कलर की दो दिख रही है, दिस इज नथिंग बट द ग्लैंड.
कितने पेयर ग्लैंड है, एक साइड पे एक पेयर है, तो टोटल कितने हुए, दो पेयर हो गए, ठीक है। सो सलाइवरी ग्लैंड्स कितने प्रेजेंट है कॉकरोच में, देयर आर टू पेयर्स, दो पेयर प्रेजेंट होती है। और ये ब्लू कलर की क्या है, दिस ब्लू कलर थिंग इज नथिंग बट द सलाइवरी रिजर्वॉयर, सलाइवरी रिजर्वॉयर। अगर आपने इसका अल्ट्रास्ट्रक्चर समझने की कोशिश की कि क्यों प्रेजेंट है इतना सारा, तो ऐसे होता है, देखो सपोज ये आपका, यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ, सपोज ये आपका ईसोफेगस का पार्ट है, ईसोफेगस का पार्ट है, ओके। तो ईसोफेगस के पार्ट में आपकी जो ये सलाइवरी रिजर्वॉयर है ना, ये ओपन हो रही है, ये आपकी सलाइवरी रिजर्वॉयर है, ये ऐसे ओपन हो रही है, ठीक है। अब सलाइवरी रिजर्वॉयर में सलाइवा आया कहाँ से, ये आता है आपकी इस ग्लैंड से। तो ये जो ग्लैंड दिख रही है आपको सलाइवरी ग्लैंड, देखो ये ऐसे प्रेजेंट है, ये आपकी दोनों सलाइवरी ग्लैंड ओपन कहाँ पे हो रही है, सलाइवरी रिजर्वॉयर में। यहाँ से ये अपना रिलीज करती है, ये यहाँ पे स्टोर होता है, और जब जब जरूरत है वो फिर कहाँ पे गिरता है, आके ईसोफेगस में, ठीक है। काम क्या है सलाइवरी ग्लैंड्स का, ऑब्वियसली फॉर डाइजेशन, कुछ ना कुछ तो डाइजेस्टिव क्या बोलते हैं एंजाइम रिलीज करता होगा, राइट। तो वो भी हम बिल्कुल पढ़ेंगे। तो कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो रिलीज करता है सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ से इस साइड पे लिख रही हूँ, ठीक है। फॉर योर डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ओके। तो सबसे पहले हमने कौन सा ग्लैंड पढ़ा, अभी यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा, तो इसके एंजाइम्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स, तो इसके एंजाइम क्या क्या है, इसके एंजाइम क्या क्या है, फर्स्ट एंजाइम इसकी होती है आपकी काइटिनेज, काइटिनेज। तो काइटिनेज किसको डाइजेस्ट करता है, काइटिनेज हेल्प्स इन नथिंग बट, ओके थैंक यू शांतनु, ओके ओके परफेक्ट राइट। सो फर्स्ट काइटिनेज का फंक्शन क्या होता है, इट विल एक्ट ऑन द काइटिन, काइटिन क्या है, काइटिन इज नथिंग बट अ पॉलीसैक्राइड, है ना, बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था। तो आपको पता है कि कॉकरोच कैनिबलिज्म भी शो करता है, और वो ओमनी वो कुछ भी खा लेता है। कैनिबलिज्म का मतलब क्या होता है, इट ईट्स इट्स ओन काइंड। तो एक कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को खा रहा है, और हर एक कॉकरोच का एग्जोस्केलेटन बना किससे है, काइटिन से बना है, तो उसको डाइजेस्ट भी तो करना है, तो वो काइटिनेज इसने रिलीज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा और क्या रिलीज करता है, अमाइलेज। आपने देखा होगा कि मोस्टली आपके कॉकरोचेस कुछ भी खा ले, स्टार्च, राइस गिरा है राइस खा लिया, रोटी गिरी है उसके भी टुकड़े खा रहे हैं, कोई भी स्टार्च है ब्रेड खा रहा है, राइट। तो वो क्या है, सब स्टार्च है, राइट। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए भी नीड अमाइलेज, तो उनके पास अमाइलेज भी है, ठीक है। और ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खाता है, तो सेल्यूलेज भी इनके पास होता है। तो ये तीन आप डाइजेस्टिव एंजाइम होती है कहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड पे, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स कितने हैं, टोटल चार है, मतलब दो पेयर्स है, गॉट इट, समझ में आया, टू पेयर्स प्रेजेंट है। और इस ब्लू वाले को हम क्या बोलते हैं, सलाइवरी रिजर्वॉयर, जहाँ पे सलाइवा के स्टोर होता है, मैंने आपको अभी समझाया कि कैसे, ठीक है जी। बढ़िया बढ़िया वंडरफुल, ओके। स्पेशल क्लास आज नहीं है, आज आपका मेंटी क्वेज है 5 बजे, ठीक है, ओके परफेक्ट। ना ईसोफेगस से आप फूड मूव डाउन हुआ कहाँ पे, क्रॉप में, क्रॉप में आपका फूड थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है, उसके बाद वो आता है आपकी गिजार्ड में। अब एक बात देखो, कॉकरोचेस के पास उनके माउथ में मैस्टिकेटरी ऑर्गन या टीथ तो प्रेजेंट नहीं थी, राइट। तो उसने मैस्टिकेट नहीं किया होगा, मतलब फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, जो हम अपने ह्यूमन में यूजुअली हम क्या करते हैं, हम पहले मैकेनिकल ब्रेकडाउन करते हैं, हम च्यू करते हैं फूड को, फिर हम उसको स्वालो करते हैं, फिर अंदर जाके आपके एलिमेंट्री कनाल में डाइजेशन और एफिशिएंटली हो सकता है, राइट। बट इसके पास वो चीज़ नहीं है, तो इनको मैस्टिकेशन हुआ ही नहीं, इनकी मैकेनिकल ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है, तो वो कहाँ होगा, वो होगा आपकी गिजार्ड में। तो गिजार्ड क्या करता है, चलो यहाँ पे गिजार्ड का हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। तो सपोज ये आपका है गिजार्ड, ये गिजार्ड का स्ट्रक्चर है। गिजार्ड का दो नाम है, एक आपका प्रोवेंट्रिक्यूलस भी बोलते हैं उसको। गिजार्ड की जो टॉप ऊपर वाली पार्ट है ना, ये हम उसको काट के देख रहे हैं, ये सपोज गिजार्ड की ऊपर वाली पार्ट है। इसके अंदर आपको ना 6 काइटिनस टीथ मिलेंगे, ऐसे काइटिनस टीथ होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये उनकी काइटिनस टीथ है, ठीक है जी, बढ़िया। तो ये टीथ क्या करती है, ये चॉम्पिंग या च्यूइंग में हेल्प करती है, मैस्टिकेशन में। सो कैन यू सी दिस 6 काइटिनस टीथ, ओके जी, बढ़िया। तो ये क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। मैकेनिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, मैस्टिकेशन, तोड़ रहे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, राइट, ओके परफेक्ट परफेक्ट, ओके वंडरफुल। नाउ लेट्स सी हियर,
ये 6 काइटिनस टीथ है, मेकानिकल ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद जो भी फूड नीचे गया अब ये ओपन होके कहाँ पे जाएगा, गिजार्ड के बाद क्या आता है, गिजार्ड के बाद आपका क्या आता है यहाँ पे, नथिंग बट योर मिडगट आता है ना, यहाँ पे मिडगट प्रेजेंट है आपकी, जो मैंने ऊपर अभी दिखाया था यहाँ पे मिडगट प्रेजेंट है, राइट, गिजार्ड के बाद, ओके तो ये आपकी सपोज मिडगट है, तो मिडगट में जो फूड आता है वो फिल्टर होके फिर आएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे फिल्टरिंग सीव लाइक स्ट्रक्चर भी दिखते हैं गिजार्ड के नीचे, राइट, सो ये वाला दिस इज नथिंग बट द सीव, सीव पार्ट जहाँ पे वो फिल्टर होके नीचे आता है फूड, ओके, तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज नथिंग बट द इंसाइजिंग पार्ट, इंसाइजर मतलब ऑब्वियसली टीथ इन कट कर रहे हैं ना फूड को, तो दैट इज नथिंग बट द इंसाइजर पार्ट, ठीक है, तो ये आपकी पूरी की पूरी गिजार्ड का स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट योर गिजार्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोवेंट्रिक्यूलस। अब हमने जब ह्यूमंस का पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने क्या देखा था कि कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है ना, वैसे यहाँ भी स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, कहाँ पे प्रेजेंट है, एक ही जगह पे प्रेजेंट है, मैं अभी आपको शो कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ और मैं इसको इस कलर से बनाती हूँ, ठीक है, तो ये आपका मिडगट है, ये आपकी मिडगट है सपोज, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है ऐसा अंदर की तरफ, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे स्फिंक्टर प्रेजेंट है मिडगट और गिजार्ड के बीच में, क्या बोलते हैं हम इसको, वी कॉल इट एज दी स्टोमोडियल वाल्व, ओके, स्टोमोडियल वाल्व, ये करता क्या है, इट प्रिवेंट्स दी एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम मिडगट टू फोरगट, ये वापस जाने से रोकता है, ठीक है, टू फोरगट, ओके, ठीक है, ये सब फोरगट का सारा पार्ट समझ में आया आपका, क्रॉप, ईसोफेगस, माउथ, गिजार्ड, ठीक है, अब मिडगट और गिजार्ड मतलब फोरगट और मिडगट के बीच में, ये पूरा गिजार्ड तक तो फोरगट था, इनके बीच में आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखती है, ऐसे ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखती है, ठीक है, ऐसी ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके ओपन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कितनी होती है, यूजुअली 6 से 8 होती है ऐसी, तो चलो मैंने यहाँ पे 6 बना दिया सपोज, ओके, 6 से 8, इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज हेपेटिक सीके, तो ये भी आपका एक क्या हो गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड, अभी हमने सलाइवरी ग्लैंड देखा था, एलिमेंट्री कनाल के साथ साथ ग्लैंड्स भी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी एसोसिएट होते हैं जो आपकी एंजाइम रिलीज कर रही है, तो सलाइवरी ग्लैंड का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन भी देख लिया कि ये 3 जो एंजाइम है ये रिलीज कर रही थी, राइट, अब इस एरिया में आपके ऐसे ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है 6 से 8, उनको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक सीके, तो हेपेटिक सीके हो गया आपका दूसरा ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोड्यूस करेगा, तो हेपेटिक सीके क्या प्रोड्यूस करता है, हेपेटिक सीके बेटा आपका, हेपेटिक सीके प्लस मिडगट, ये दोनों मिलके कुछ एंजाइम रिलीज करता है, हेपेटिक सीके प्लस मिडगट कौन कौन सी एंजाइम रिलीज करता है, कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा, जैसे कि आपकी ट्रिप्सिन, प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या होता है, जो आपकी प्रोटीन का ब्रेकडाउन करे, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल, ओके, सो ट्रिप्सिन रिलीज करेगा, उसके अलावा और भी बहुत कुछ रिलीज करता है, जैसे कि आपकी पेप्टीडेजेस हो गई, राइट, पेप्टीडेज हो गई, फिर आपकी प्रोटीएज हो गई, ये रिलीज करता है, ये आपकी प्रोटियोलाइटिक हो गई, प्रोटियोलाइटिक के अलावा कुछ आपकी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन भी में भी हेल्प करता है, जैसे उसने क्या रिलीज किया, इन्वर्टेज रिलीज किया, माल्टेज रिलीज किया, ओके, लैक्टेज रिलीज किया, ठीक है, इसीलिए इतने सारे एंजाइम है, इसलिए ओमनिवोरस है, ये कुछ भी खा सकता है कॉकरोच, ठीक है, ये सारे जो एंजाइम हमने नीचे लिखे हैं ब्लू कलर से, इसको कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस किया है हेपेटिक सीके ने और मिडगट ने, इसलिए मैंने प्लस ऐड किया है यहाँ पे, ठीक है, आपकी फोरगट और हाइंडगट दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एंजाइम्स, विल यू रिमेम्बर दैट, परफेक्ट, वंडरफुल, ओके, हाँ जी, चलो मुझे चैट दिख नहीं जाता, बढ़िया, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नथिंग बट योर हाइंड, हाइंडगट के देखो 3 पार्ट है, इलियम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस, सॉरी 4 पार्ट है, इलियम, कोलोन, रेक्टम एंड एनस, राइट, ओके, तो इनका काम क्या है, जस्ट फूड को पास डाउन कर रहा है, और पास डाउन करते वक्त ये एक और काम भी करता है, देखते वो क्या है, मिडगट और हाइंडगट के बीच में आपको ऐसे थ्रेड लाइक कुछ ट्यूब, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे,
कितने होते 100 to 150। ये हेपेटिक सी के कितने थे, हेपेटिक सी के वेर अराउंड 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स, है ना, हेपेटिक सी के आपके 6 to 8 था, राइट ओके। ये जो आपको फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट योर मालपिगियन टिब्यूल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दीज आर योर मालपिगियन टिब्यूल्स। मालपिगियन टिब्यूल्स का काम क्या है, यूजुअली ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। कैसे करता है वो भी आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके परफेक्ट। नाउ सो दीज आर मालपिगियन टिब्यूल्स, हाउ मेनी आर दे, 100 to 150 थ्रेड लाइक टिब्यूल्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी ब्लाइंड ट्यूब्स है। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, एक एंड से ये क्लोज्ड है, एक एंड से ओपन है, ये भी एक एंड से क्लोज है, एक एंड से ओपन है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे। अब वो देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये जो सारे गट के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाए हैं, सारे गट के जो स्ट्रक्चर बनाए हैं उनका एक बार इंटरनल ऑर्गन देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी आपने एक चीज पढ़ा होगा, एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन, है ना, कभी कभी ये वर्ड आता है पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन। ये एक बार नीट में भी पूछा गया था कि पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन किस में मिलता है, किसके गट में मिलता है। तो ये आपके इंसेक्ट के गट में मिलता है, किसी भी इंसेक्ट में, मस्कीटो हो, कॉकरोच हो, ये पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन है क्या और कौन से पार्ट ऑफ द गट में मिलता है, क्या पूरे फोरगट, मिडगट, हाइंड गट में है, नहीं, ओके। ये सेम पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन आप जब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ते हो ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में 12th में, तब भी ये चीज आता है, ठीक है। तो हमें यही चीज देखना है अभी, परफेक्ट ओके। नाउ पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का हमें देखना है कि फंक्शन क्या और कहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जिस जिस कलर से मैंने गट बनाया था मैं उसी कलर से बनाऊंगी। तो फोर गट मैं व्हाइट कलर से बनाया था, मिड गट मैंने रेड से बनाया था, एंड आपकी हाइंड गट मैंने ग्रीन से बनाई थी। तो सेम कलर आई एम गोइंग टू यूज, बट यहाँ पे हम ऊपर वाला पोजिशन नहीं देखेंगे, हम लैटरल व्यू देखेंगे, ठीक है, फाइन। तो सपोज ये आपकी फोर गट है, ओके, सपोज दिस इज दी फोर गट, ईसोफेगस है आपका, स्टमक ये है, क्रॉप है, फिर गिजार्ड है, ओके परफेक्ट। फिर आपका आता है यहाँ पे मिडगट। तो सपोज ये मिडगट है, ओके ये मिडगट है, राइट फिर आता है आपका हाइंडगट। तो सपोज ये हाइंडगट है, ये हाइंडगट है, ठीक है, ओपन हो रहा है किसमें, एनस में। तो एक बार एनिमल को भी बना लेते हैं, चलो एनिमल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज कॉकरोच का बॉडी है, ये थोरैक्स है, एब्डोमेन है, ठीक है, ये इंसेक्ट की बॉडी है सपोज, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द फोरगट, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी रेड वाली, इज नथिंग बट दिस वन इज नथिंग बट द मिडगट, दिस इज द मिडगट सपोज, ओके। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला हो गया हाइंडगट। तो ये सपोज ये पूरा का पूरा आपका हाइंडगट है। तो इंटरनली मैंने आपको अभी बताया था कि सिर्फ मिडगट में ही आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ये सेल्स है, ये आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज कर रहा है, ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी नहीं राजकुमार, आपकी मेंटी में एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू और कॉकरोच दोनों अलग अलग पार्ट है चैप्टर का, कॉकरोच टाइप स्टडी में आता है ना, ओके। सो दीज आर नथिंग बट द एपिथीलियम ऑफ द मिडगट, ठीक है, एपिथीलियम है ये आपकी जो सेल्स है, दीज सेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एंजाइम्स, ओके। सो ये आपकी एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, राइट ओके। अब आपकी जो बाकी की गट का पार्ट है, इसे फोर गट हो गया या हाइंड गट हो गया, ये सारी की सारी गट, इट इज कवर्ड बाय अ थिक क्यूटिकल। जो नेल्स में क्यूटिकल नहीं होते, ऐसे थिक क्यूटिकल इनके गट के अंदर है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ब्लू कलर में देखो कहाँ कहाँ बना रही हूँ, आपके हाइंड गट और फोर गट में प्रेजेंट है, ठीक है, हाइंड गट और फोर गट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये दिस इज नथिंग बट अ क्यूटिक्यूलर क्यूटिक्यूलर लाइनिंग, ओके क्यूटिक्यूलर लाइनिंग। ना ये लाइनिंग प्रेजेंट है तभी तो, अगर फोर गट में सेल्स होता भी, मिल गया राहुल, ओके परफेक्ट ओके।
सो नाउ सी हियर, सो ये जो आपकी फोरगट और हाइंड गट थी, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि कोई एंजाइम रिलीज नहीं करे, क्योंकि अगर इसमें सेल्स होता भी तो क्या ये इस थिक क्यूटिकल को क्रॉस करके जा पाता? नहीं ना, थिक क्यूटिकल से नेल जैसा थिक क्यूटिकल, उसको क्रॉस करके कुछ जा पाता क्या? उनकी एंजाइम्स नहीं जा पाती, राइट? इसीलिए कोई उनमें सेल्स भी नहीं प्रेजेंट है. बट मिड गट के पास ये सेल्स तो है, बट ये क्यूटिकुलर लाइनिंग नहीं है, तो ये आराम से अपनी सिक्रीशन कर सकता है. ठीक है, आराम से अपनी सिक्रीशन कर सकता है. ये सेल्स है ना, उनकी एपिथीलियल लाइनिंग है, एपिथीलियल ग्लैंड सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स. ठीक है, क्योंकि ये रिलीज करते हैं कौन सी एंजाइम, यहाँ पे अभी हमने पढ़े थे ये सारे के सारे एंजाइम, राइट ना. लेकिन जब ये कुछ खा रहा है, कुछ भी खाना खा रहा है, सपोज वो फूड यहाँ पे आ रहा है, सपोज इसने कुछ खाया, ये फूड आ रहा है यहाँ पे, तो ये फूड यहाँ से पास हो रहा है फोरगट से, सो द फूड इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी काइंड ऑफ एब्रेशन ऑन द फोरगट, क्योंकि इसके पास क्यूटिकल की लाइनिंग है, प्रोटेक्ट कर रही है. एब्रेशन का मतलब समझते हो ना, स्क्रेपिंग ऑफ. इमेजिन करो कि आपके इसोफेगस में, आपके स्टमक में म्यूकस की लाइनिंग नहीं है, आपने कुछ भी खाया, वो आपके वो धक्का मारेगा ना आपके इसोफेगस के वॉल में, कोलाइड होगा. इसोफेगस का कुछ दिनों के बाद चकनाचूर हो जाएगा इसोफेगस, तभी इतना थिक म्यूकस लेयर है. और हमने अच्छे से फूड को चबा लिया है, आप कभी भी सूखी रोटी खा के से निगलने की कोशिश करोगे, निगल पाओगे? बहुत तकलीफ होती है ना, राइट? वो यहाँ जाके अटक भी जाती, नीचे नहीं जाती, तो हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं. ये वो काम अभी तक कर नहीं पाया है, राइट? और इसने कुछ भी फूड खाया, इसके पास इतनी म्यूकस लेयर नहीं है, राइट? तो फूड क्या करेगा, एब्रेशन कॉज करेगा, स्क्रेपिंग ऑफ करेगा वॉल में. तो इसके पास क्यूटिकल लाइनिंग है जिसने प्रोटेक्ट की हुई है, बट ये क्यूटिकल लाइनिंग मिडगट में नहीं है. क्यों? क्योंकि उसके पास सेल है, वो उसको ग्लैंड, उसको एंजाइम प्रोड्यूस करना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो बिल्कुल क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, इनके यहाँ पे प्रेजेंट होता है पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन. यही पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको बता रही थी. तो पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा? इट इज ओनली प्रेजेंट इन द मिडगट. एंड दिस पर्टिकुलर लाइनिंग, ये जो मैंने बनाया है पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं, दिस इज योर पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन. एंड पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन क्या किसी सेल से बनी हुई होती है? नहीं, पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन इज ए सेलुलर, कोई सेल से नहीं बनी होती है. सो पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस थिंग इट इज ए सेलुलर एंड इट इज कंपोस्ट ऑफ नथिंग बट कंपोस्ट ऑफ काइटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, कंपोस्ट ऑफ काइटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन. तो ये जो आपकी पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन है, इट इज सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल टू व्हाट? ऑल दीज एंजाइम. तो जो भी एंजाइम ये रिलीज कर रही है ना सेल, ये एंजाइम बेटा यहाँ से होते हुए सेमी परमिएबल है, यहाँ से ये अंदर जाएगा. कहाँ पे? गट में. यहाँ जो फूड है, जो यहाँ से ये फूड आई हुई है, इस फूड को ये डाइजेशन करने में हेल्प करेगी. ये फूड आई, इसको ये डाइजेस्ट करेगी, फिर डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को ऑब्वियसली वो एब्जॉर्ब कर देंगे, अनडाइजेस्टेड को वो पास डाउन कर देंगे एंड थ्रू एनस वो बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन जो है वो आपकी सेमी परमिएबल होती है. किस चीज़ के लिए परमिएबल में है? ये सारे जो भी एंजाइम आपकी मिडगट प्रोड्यूस कर रही है, इन एंजाइम्स को ये यहाँ पे परमिएबिलिटी शो करते हैं, और यहाँ से एंजाइम यहाँ घुस सकता है अंदर, राइट? कहाँ पे? मिडगट में. ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, तो याद रखो कि ये सिर्फ मिडगट में ही प्रेजेंट है. और इसका काम क्या है? इसका काम इट्स नथिंग बट इट प्रिवेंट्स द एब्रेशन बाय फूड पार्टिकल्स. एब्रेशन मैंने अभी आपको बताया, इट्स नथिंग बट स्क्रेपिंग ऑफ, क्योंकि मिडगट में कोई क्यूटिकुलर लाइनिंग नहीं है, तो कोई भी फूड आएगा वो इजीली कोलाइड करके ये सेल्स को खराब कर सकता है ना, तो स्क्रेपिंग होगा, एब्रेशन होगा, उसको वो रोकता है पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन. ठीक है, और डाइजेशन में भी हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है? मैंने बता दिया आपको कि वो सेमी परमिएबल डाइजेस्टिव एंजाइम को वहाँ रिलीज करेगा. ठीक है, तो ये आपकी पेरीट्रॉपिक मेम्ब्रेन की फंक्शन थी. समझ में आया? सारे पार्ट समझ में आए, सारे एंजाइम्स भी मैंने लिख दिए आपको कि कौन क्या करता है, आपकी प्रोवेंटिकुलस एंड गिजार्ड का फंक्शन भी मैंने आपको बताया. ठीक है, ओके, परफेक्ट, वंडरफुल. ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये लाइव चैट दिख नहीं रही है मुझे. हाँ, अभी ठीक है, अभी दिख रही है. चलो बढ़िया. Now let's move on to this malpighian tubules and hepatic cheek के बारे में. मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे आपके hepatic cheek जो है वो किसका काम करता है. hepatic cheek का काम क्या? यही सेम एंजाइम रिलीज करना. ठीक है, तो hepatic cheek है क्या? एट द जंक्शन बिटवीन फोरगट एंड मिडगट. ये क्वेश्चन ये बार बार पूछते हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट है आपका hepatic cheek, कहाँ पे प्रेजेंट है आपका malpighian tubule. तो याद रखना, फोरगट और मिडगट के बीच में आपके hepatic cheek होते हैं,
आपके 8 to 6 ब्लाइंड टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, राइट right? और आपकी मालपिगेट टिब्यूल्स कहाँ पे होती है? एट द जंक्शन बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट, ओके। और कितनी होती है? 100 to 115 ब्लाइंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। एक बार इस डायग्राम में आप फिर से देख लीजिए कि यहाँ पे ये हेपेटिक सीके मैंने बनाया है और आपके मालपिगेट टिब्यूल्स भी मैंने बनाए हैं। तो मिडगट और हाइंड फोरगट और मिडगट के बीच में आपकी हेपेटिक सीके हो गई, मिडगट और हाइंडगट के बीच में आपकी मालपिगेट टिब्यूल्स हो गई, राइट? ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नथिंग बट द एक्सक्रीटरी सिस्टम नाउ, क्योंकि अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, ऊपर आपका एनसीईआरटी भी मैंने दिखाया हुआ था, राइट? अब हम एनसीईआरटी का सिर्फ एक इतना ही छोटा सा एक पैराग्राफ है एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। क्या बोला है उन्होंने? एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मालपिगेंट टिब्यूल्स। हम मैंने बताया कैसे, क्या सब समझा रही हूं मैं। ईच टिब्यूल इज लाइंड बाय अ ग्लैंडुलर सीलिएटेड सेल्स, बता रही हूँ कौन सा सेल है मैं बताऊंगी अभी, एंड दे अब्सॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड व्हिच इज देन एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द हाइंडगट, एंड देयरफॉर द इंसेक्ट इज यूरिकोटेलिक, क्योंकि ये यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है। एंड मालपिगेट टिब्यूल्स के अलावा भी कुछ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी का ही लाइन है, दैट इज योर फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड्स। अब ये क्या है? यूरिकोज का स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखा हुआ, इट शुड बी लाइक दिस, ओके। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन ही है, यूरिकोज ग्लैंड, नेफ्रोसाइट और फैट बॉडी भी हेल्प करती है। अब हमें समझना है कि मालपिगेट टिब्यूल तो चलो ऐसे कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं, तो सबका मैं आपको एक एक करके फंक्शन बता देती हूँ, ठीक है? ओके, तो जैसा कि हेलो नेहा, हेलो मालतेश, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि मालपिगेट टिब्यूल्स का पोजीशन आपने देख लिया था, कहाँ पे प्रेजेंट था, मैंने बताया था मिडगट और हाइंडगट के बीच में था, तो इसका स्ट्रक्चर ही हमें अभी देखना है, ओके। नाउ सी हियर, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ मालपिगेट टिब्यूल्स, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड, एक और है जिसका आपके इसमें मेंशन नहीं है बट मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्यूटिकल्स, ओके। इसका आप अभी स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या होता है। तो मालपिगेट टिब्यूल प्रेजेंट कहाँ पे था? इट वॉज प्रेजेंट बिटवीन योर, सपोज दिस इज नथिंग बट योर मिडगट, ये आपकी मिडगट है, ठीक है, मिडगट यहाँ पे है और यहाँ पे सपोज आपकी हाइंडगट शुरू हो गई, ओके, ये आपकी हाइंडगट शुरू हो गई, मिडगट ऑन दिस इज योर हाइंडगट। ध्यान से देखो मैं बता रही हूँ कैसे फंक्शन होता है हाइंडगट। इन दोनों के बीच के जंक्शन में क्या प्रेजेंट है? देयर इज लोकेशन ऑफ नथिंग बट दिस ब्लाइंड मालपिगेट टिब्यूल। तो सपोज मैंने एक मालपिगेट टिब्यूल के बारे में बता रही हूँ आपको, दिस इज अ सिंगल मालपिगेट टिब्यूल, ओके, परफेक्ट। नाउ ये मालपिगेट टिब्यूल यहाँ भी ऐसा प्रेजेंट है, ऐसे कितने प्रेजेंट है टोटल आपके? 100 to 150 प्रेजेंट है, 100 to 150 प्रेजेंट है, ओके। सो दिस इज वन सिंगल मालपिगेट टिब्यूल, ओके, दोनों साइड। तो एक साइड का मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे होता है। ये पूरा एलिमेंट्री कनाल था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? ये क्या है? ये उनकी बॉडी टिश्यूज है, ये उनकी बॉडी टिश्यूज है, राइट? एक बार ये स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से, एक मिनट रुको, ओके, यहाँ पे देख लो, ये आपको दिख रही है? एक मिनट मैं जूम करती हूँ इसको, जस्ट अ सेकेंड, ओके। दिस इज नथिंग बट द इंटरनल एनाटॉमी ऑफ अ कॉकरोच। सो कैन यू सी द हेपेटिक सीक के ऊपर ये आपकी थिक क्रॉप और ब्रिजा इस एरिया में है, तो आपकी फोरगट मिडगट के बीच में है। कैन यू सी द मालपिगेट टिब्यूल्स नाउ? आपकी नथिंग बट इट्स बिटवीन द मिडगट एंड द हाइंडगट। सो मालपिगेट टिब्यूल्स कहाँ पे फेस कर रही है? बॉडी टिश्यूज है ना, बॉडी टिश्यूज में फेस कर रही है। तो चलो वापस जाते हैं, वहाँ पर समझा देती हूँ मैं आपको एक बार, कहाँ बनाया था यहाँ पे, ओके। सो दिस इज नथिंग बट योर बॉडी टिश्यूज, ओके, बॉडी टिश्यू एंड हीमोलिम्फ है ना, हीमोलिम्फ को फेस कर रही है ये, ठीक है, ओके, परफेक्ट। नाउ मालपिगेट टिब्यूल्स का दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है, एक जो आपके मिडगट और हाइंडगट में ओपन हो रही है, ये वाला पार्ट, दिस पर्टिकुलर पार्ट हियर, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, सो दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, ओके, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, सो दिस इज नथिंग बट द प्रॉक्सिमल पार्ट। तो यहां मैं लिख देती हूँ, सो दिस इज दी प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वॉट? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ योर मालपिगेट टिब्यूल। और यहां पे कुछ सेल्स होती है जो दैट इज नथिंग बट द डिस्टल पार्ट। तो डिस्टल पार्ट इज हैंगिंग इन द बॉडी टिश्यू,
ये आपकी यहाँ से ऐसे मालपिगन टिब्यूल्स निकली हुई है, तो ये आपकी प्रॉक्सिमल पार्ट है जो अटैच्ड है, जो आपकी मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में खुल रही है, और ये आपकी सपोज से डिस्टल पार्ट है जो कहाँ हैंग करी, किसको फेस करी, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हीमोलिम्फ एंड बॉडी टिश्यूज, ठीक है। तो ये सपोज आपकी डिस्टल पार्ट है, तो डिस्टल पार्ट में भी कुछ सेल्स होते हैं। अभी ऊपर एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था, किस तरह के सेल से लाइन होता है, वो एक बार फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको, किस तरह के सेल से लाइन होती है। इट इज लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो ग्लैंडुलर सेल्स एंड सीलिएटेड सेल्स दोनों हैं। ग्लैंडुलर सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल पार्ट में, और सीलिएटेड सेल आपके डिस्टल पार्ट में प्रेजेंट है। किसका क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट ट्राई टू यू नो रिलेट दिस विथ आवर ओन नेफ्रॉन। हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम इज विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन, राइट, नेफ्रॉन से होता है। तो उसका भी आपको पता है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सब है। आपके यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रीशन, तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो इस एरिया में, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज द डिस्टल पार्ट, ओके। अब जो डिस्टल पार्ट है, इट इज अ सिक्रीटरी पार्ट, ये सिक्रीटरी पार्ट है। सिक्रीटरी मतलब किसको सिक्रीट कर रही है, कहाँ सिक्रीट कर रही है, ये आपकी वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को मैं NW लिख रही हूँ, इसको ये हीमोलिम से, बॉडी से उठा के यहाँ पे डाल देती है। मुझे एक्सक्रीट किसको करना है, इसको करना है, राइट। तो ये ऐसे वाटर अंदर, बाहर से अंदर घुसता है, कुछ वाटर भी एंटर होता है और कुछ ऑब्वियसली आपकी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट भी एंटर होती है। तो बहुत सारी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इसने सिक्रीट किया अपने अंदर, इसीलिए सिक्रीटरी पार्ट है, ठीक है। अब ये चीजें यहाँ आई, बट डू दे अफोर्ड टू लूज सो मच अमाउंट ऑफ वाटर, इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते। तो वाटर को क्या करेंगे, वो रीअब्जॉर्ब करेंगे। आपको पता है कि वो लोग वाटर लॉस प्रिवेंट करते हैं, वो लोग बहुत दिनों तक वाटर ना पी के भी जिंदा रह सकते हैं। और अगर आपने कॉकरोच, तो सबके घर पे होता ही है, तो आपने सबने कॉकरोच का फीकल मैटर देखा होगा, है ना, एक्सक्रीटरी मैटर देखा होगा, कैसा होता है, ऐसा दिखता है, दिख रहा है, ऐसे छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो स्ट्रक्चर है, कैन यू सी द स्ट्रक्चर हियर, है ना। ये तो मरे हुए, ये मरे हुए कॉकरोच नहीं है, उनका एक्सोस्केलेटन है जो एक्टाइसिस शो करता है, मैंने समझाया था, दिस इज नथिंग बट द ऊतिका। उसके अलावा ये छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, और देखो ये सॉलिड है, सॉलिड उनकी एक्सक्रीटरी पैलेट है। एक्सक्रीशन, हम ह्यूमन एक्सक्रीशन कैसा है, लिक्विड इन फॉर्म है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन हम फॉर्म करते हैं। इनकी एक्सक्रीटरी में देखो पूरा का पूरा मोस्टली इट इज नथिंग बट जस्ट लाइक योर सॉलिड पैलेट। तो सॉलिड पैलेट निकला कैसे, मतलब इसने मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है, तभी तो सॉलिड निकली है ये, राइट, तभी तो ये सॉलिड निकली, इसने मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो कैसे करते हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट से, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इट इज एब्जॉर्प्टिव पार्ट, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन शो करता है। क्या ऑब्जॉर्ब किया उसने, ये जितने भी वाटर यहाँ आए थे, इन सब वाटर को इसने एब्जॉर्ब बैक कर लिया, बहुत सारे वाटर को इसने एब्जॉर्ब बैक कर लिया, बहुत सारा वाटर यहाँ एब्जॉर्ब हो गया है, और बचा क्या था, नाइट्रोजनस वेस्ट। सो नाइट्रोजनस वेस्ट को इसने कन्वर्ट कर दिया, मैं इसमें लिखती हूँ, नाइट्रोजनस वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नथिंग बट यूरिक एसिड, ओके, यूरिक एसिड। इसका एक केमिकल पूरा फॉर्मूला है कि कैसे होता है, पोटेशियम यूरेट अंदर जाता है, पोटेशियम यूरेट कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स होके पोटेशियम बाइकार्बोनेट और यूरिक एसिड बनाता है। यूरिक एसिड को वो क्या करता है, फिर यहाँ पे एक्सक्रीट आउट कर देता है। सो यूरिक एसिड इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पेलेट, ठीक है, यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पेलेट वो बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है, सॉलिड पैलेट जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाया। वाटर का क्या हुआ, वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो गया, और कुछ वाटर आपकी हाइंडगट से भी रीअब्जॉर्ब हो जाती है, जितना वाटर बचा था वो यहाँ से भी आपकी रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो बचा क्या, एक सॉलिड पैलेट बचा, ठीक है, ओके। वो जो मैंने अभी आपको बताया, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम यूरेट, ये वाला जरूरी नहीं है आपके एनसीईआरटी के लिए, इफ यू वांट आई कैन टीच, नो प्रॉब्लम, उसको ये नहीं, बट एनसीईआरटी में ये चीज नहीं दिया है। एनसीईआरटी में कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि दैट दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। तो कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट था, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट, जो उनकी हीमोलिम्फ या बॉडी टिश्यूज से वो लेते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। सो एज यू ऑल नो दैट इज मालपिगन टिब्यूल। मालपिगन टिब्यूल एक्सक्रीशन करने के बाद कौन से फॉर्म में एक्सक्रीटा को बना रहा है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। सो योर कॉकरोच इज व्हाट, योर कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक, यहाँ लिखा हुआ है दे आर यूरिकोटेलिक, इतना ही याद रखना है, ओके। उसके अलावा फैट बॉडीज नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड्स भी हेल्प करते हैं, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। फैट बॉडीज क्या है उनके, ऑब्वियसली देर आर मेनी जस्ट अ सेकेंड लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। सो फैट बॉडीज भी आपकी यूरिक एसिड को
सब कुछ यूरिक एसिड ही रिलीज करेगा, यूरिक एसिड को रिलीज करता है, ठीक है। ये फैट बॉडीज लाइक उनके हीमोलिम्फ के आसपास प्रेजेंट है और ये यूरिक एसिड को जाके फेंकता मैल्पिगन टिब्यूल्स में ही है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सक्रीशन शो कर रहा है। सपोज यहाँ पे फैट बॉडीज प्रेजेंट है, इसने यूरिक एसिड बनाया हुआ है, तो इसको ये यहाँ पे डायरेक्ट यूरिक एसिड को रिलीज कर देता है, ठीक है। नेफ्रोसाइट, नेफ्रोसाइट क्या है, दीज आर स्मॉल सेल्स, ठीक है। ये स्मॉल सेल्स अराउंड देयर हार्ट, अराउंड देयर हार्ट। कॉकरोच में आपको पता है देर आर 13 चेम्बर्स ऑफ हार्ट, वो हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हार्ट ऑफ कॉकरोच। तो स्मॉल सेल्स अराउंड हार्ट, ये जो आपकी नेफ्रोसाइट, उनको नेफ्रोसाइट्स बोलते हैं, वो भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को स्टोर करके रखती है और फाइनली मालपिगन टिब्यूल्स में फेंक देती है, सेम जैसे फैट बॉडी कर रहा है। यूरिकोज ग्लैंड, यूरिकोज ग्लैंड एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। कॉकरोच का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका ये एक पार्ट है। उसका दूसरा नाम क्या है, जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखोगे, इट इज कॉल्ड एज यू नथिंग बट लॉन्ग टिब्यूल्स ऑफ मशरूम ग्लैंड, इज समथिंग कॉल्ड एज अ मशरूम ग्लैंड, आपकी एनसीईआरटी में भी है ना, मशरूम ग्लैंड बोलते हैं, उसका पार्ट है, लॉन्ग टिब्यूल है, वो भी आपकी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती है, कहाँ पे, स्पर्मेटोफोर के ऊपर, वो स्पर्मेटोफोर बनाती है, एक एक स्पर्मेटोफोर में बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, राइट, वो स्पर्मेटोफोर के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं यूरिक एसिड, ठीक है, और फिर वो आपकी स्पर्म को वो एक्सक्रीट आउट रिलीज कर देती है, कहाँ पे, फीमेल स्पर्माथिका के अंदर, ठीक है। तो ऐसे भी मेल कॉकरोच ने अपनी बॉडी से तो यूरिक एसिड को निकाल दिया, बट वो फीमेल की बॉडी में चला गया, तो फीमेल की बॉडी में वो फिर से नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ये फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, मालपिगन टिब्यूल्स के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल ऑब्वियसली उनका स्किन है, तो एवरी टाइम जब वो एग्डाइसिस शो कर रहे हैं, मैंने आपको पिछले बारी में पढ़ा था, एवरी टाइम जब वो कर रही है, क्या बोलते हैं, एक्सक्रीट एग्डाइसिस, तब इनकी क्यूटिकल लेयर भी एक्सक्रीट हो रही है, एग्डाइसिस शेड ऑफ हो रही है, तो हर एक क्यूटिकल लेयर के ऊपर वो यूरिक एसिड ऐसे रिलीज करके रखते हैं, वो भी बॉडी से निकल जाता है आफ्टर एवरी एग्डाइसिस, ठीक है, ओके, परफेक्ट, वंडरफुल। इफ एनसीईआरटी विद द हार्ट चेम्बर्स इज नॉट टैलिंग, व्हाई इट इज नॉट टैलिंग, देयर इन एनसीईआरटी देयर आर 13 चेम्बर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। डायग्राम में कुछ गड़बड़ दिया होगा ऑब्वियसली, बट दैट डजंट मैटर, इट मैटर, यू शुड नो दैट देयर आर 13 चेम्बर्स ऑफ हार्ट प्रेजेंट इन अ कॉकरोच बॉडी, 13 chambers, okay? So we'll be talking about all the, heart structure as well, सारे structures भी हम बिल्कुल पढ़ेंगे उसके बारे में next class में। आज हम लोगों ने दो anatomical part पढ़ लिया, एक आपकी digestive system और दूसरी आपकी nothing but excretory system, ठीक है। तो digestive system का तो, excretory system का तो हमने NCERT liner पढ़ लिया, एक बार वापस जाके इसका भी पढ़ लेते कि digestive system के बारे में क्या बोला गया है, ठीक है। हाँ जी, यस विक्रांत, यू एब्सोल्युटली राइट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जो आपने लिखा है यहाँ पे रिएक्शन है वही होता है, बट वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ाया नहीं आपको वो चीज़, ठीक है, क्योंकि ये नीट 2020 के लिए है, ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे एक बार हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सो लेट सी दैट। सो एलिमेंट्री कनाल, जैसे कि मैंने बोला, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट में डिवाइड होता है। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट टिब्यूलर फैरिंग्स व्हिच लीड टू अ नैरो टिब्यूलर पैसेज व्हिच इज कॉल्ड एज ईसोफेगस, ठीक है। नाउ दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रॉप, तो ये सारे पार्ट है आपके फोरगट के, यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ द फूड एंड द क्रॉप इज फॉलोड बाय अ गिजर्ड और प्रोवेंट्रिक्यूलस, सेम है, ठीक है, परफेक्ट। नॉट यूरियोटेलिक, इट इज यूरिकोटेलिक, मैंने अभी लिखा है ना, यूरिकोटेलिक, कॉकरोचेस आर यूरिकोटेलिक, दे आर इंसेक्ट्स, ओके, परफेक्ट, वंडरफुल। नाउ लेट्स सी हियर, सो इट हैज एन आउटर लेयर, किसकी बात कर रहे हैं, वो गिजार्ड की, गिजार्ड हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड इनर लेयर फॉर्म बाय सिक्स हाईली काइटिनस प्लेट कॉल्ड एज टीथ, मैंने यही चीज आपको यहाँ डायग्राम में दिखाया था, सिक्स काइटिनस टीथ प्रेजेंट, राइट, सिक्स काइटिनस टीथ प्रेजेंट, आउटसाइड मस्क्यूलर है, तो वो चर्निंग भी अच्छे से करती है, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। Now, gizzard जो है, it helps in grinding the food particles and the entire foregut is lined by cuticle, मैंने यही चीज आपको बता, देखो सेम आपकी एनसीईआरटी में भी है, foregut is lined by what, it is lined by cuticle, ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, foregut और hindgut में दोनों में ही ये cuticular lining है, ठीक है, perfect, wonderful, wonderful, right, now, okay, let's move on to this, ये वाला, अरे चलो, now,
A ring of 6 to 8 blind tubules called as hepatic or gastric cheek is present at the junction between foregut and midgut. मैंने आपको ये भी अभी दिखाया था. Foregut और midgut के junction में आपको hepatic cheek दिखती है. Right? कितने होते हैं 6 to 8 blind tubules. Function क्या है इनका? They release certain enzymes. कौन से enzymes? मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. These enzymes. ये नीचे वाले जो enzymes मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे enzymes आपके hepatic cheek और midgut मिलके बनाती है. ठीक है? Release करती है. Okay. Now, which secretes digestive juices? उसका मैंने example आपको बता दिया. Now, at the junction of midgut and hindgut are present another ring of 100 to 150 yellow color thin 5 filamentous called as Malpighian tubule. So, ये रही आपकी Malpighian tubule जो आपके midgut और hindgut के बीच में present होती है. इनका काम क्या है? They help in removal of excretory product, right? From the hemolymph. तो hemolymph से वो excretory product nitrogenous base को लेती है. Nitrogenous waste को वो convert करती है uric acid में, फिर वो release कर देती है. ठीक है? The hindgut is broader than the midgut and is differentiated into ileum, colon, rectum. ठीक है? Ileum, colon and rectum. Now, the rectum opens out through anus. ये सारे part, यही आपके पूरे NCRT में लिखी हुई थी, digestive system के ऊपर, ये सारे part मैंने यहाँ पे आपको explain कर दिया है एक-एक करके. तो please, आपकी proventriculus के बारे में याद रखना. Okay, hello Abhishek, hello Kundan. Perfect, ठीक है. समझ में आया सबको? वंडरफुल. ओके, राइट, ठीक है, बढ़िया. हाँ जी, ओके. वो फॉर्मूला बता दूँ उसका जो केमिकल रिएक्शन में आपको बता रही थी, वो बता दूँ? कोई बात नहीं, बता देती हूँ. जस्ट सेकेंड, बेटा एक मिनट, हाँ यहीं पे बताती हूँ. तो ये वाला तो फिल हो गया है, तो मैं एक काम करती हूँ, लेफ्ट साइड वाले में बना देती हूँ, चलेगा? ओके. तो सपोज यहाँ पे आपका, अरे जस्ट सेकेंड, लेट मी चेंज द हाइलाइटर. ओके, ठीक है. तो ये क्या करता है आपकी, ये फर्स्ट पार्ट, ये दो पार्ट में पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको. वन इज नथिंग बट द सिक्रीटरी पार्ट. तो ये सिक्रीट क्या कर रहा है? यूजुअली वाटर सिक्रीट करता है, और आपका और भी बहुत कुछ सिक्रीट करता है, सच एज नथिंग बट योर पोटेशियम यूरेट. ओके, तो पोटेशियम यूरेट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट जो आपकी हीमोलिम से लेके वो अंदर डाल देती है. ठीक है? अब ये पोटेशियम यूरेट जो है, इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ गया? ये सेल्स प्रेजेंट थे ना यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको जो ये येलो कलर के सेल्स प्रेजेंट है, मैं सेम कलर नहीं यूज कर रही हूँ, जैसे समझा रही हूँ, ये जरूरी नहीं है. तो ये सेल्स मेटाबॉलिज्म करने के बाद ये अपनी CO2 रिलीज करती है ना, एवरी सेल रिलीजेस CO2 और O2 वो फिर लेती है मेटाबॉलिज्म के लिए. तो पोटेशियम यूरेट जब आपकी CO2 से रिएक्ट करती है, सो इट फॉर्म्स नथिंग बट पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस यूरिक एसिड. ठीक है? तो ये पोटेशियम बाइकार्बोनेट अब आ कहाँ पे गई है? प्रॉक्सिमल पार्ट में आ गई. तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट आपकी एब्जॉर्ब बैक हो जाएगी अलॉन्ग विथ वाटर. वाटर भी एब्जॉर्ब बैक हो जाएगी. ठीक है? एब्जॉर्ब बैक हो जाएगा, सिर्फ यूरिक एसिड बचे, यही यूरिक एसिड फिर आपका बाद में एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो ये पूरा रिएक्शन है. सो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, लाइक यू नो, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट रब दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ, ये वाला पार्ट मैं मिटा देती हूँ. यहाँ मैं लिख देती हूँ कि PU PB क्या मैं मेंशन कर रही हूँ, तो मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ लिख देती हूँ. सो योर PU स्टैंड्स फॉर पोटेशियम यूरेट. ओके, पोटेशियम यूरेट, परफेक्ट. CO2 सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड PB स्टैंड्स फॉर पोटेशियम बाइकार्बोनेट. कैसे बनी ये? जब पोटेशियम यूरेट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है, सो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनी. पोटेशियम बाइकार्बोनेट तो रीअब्सॉर्ब पैक हो गई, और बच क्या गई आपकी? यूरिक एसिड बच गई. यूरिक एसिड आपकी एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो UA इज नथिंग बट योर यूरिक एसिड. सो दिस इज अबाउट योर एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन इन योर कॉकरोच. ठीक है? तो एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन दोनों हो गया यहाँ पे. नेक्स्ट, दैट वुड बी ऑन टुमारो हम लोग फिर क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों पढ़ लेंगे. मोस्टली वो सर्कुलेटरी सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कॉकरोच का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी एक बार जाके देख सकते हो. ठीक है? तो वो पूछा जाता है, तो एक बार फिर से देख लो ये सारे के सारे. पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन कहाँ होता है याद रखना, वो बस पूछेंगे कि होता कहाँ पे है, तो वो मिडगट में होता है. मैंने यहाँ फंक्शन बता दिया, ये भी बता दिया कि दिस इज नॉट मेड अप ऑफ एनी टाइप ऑफ सेल. इट इज एन ए सेल्यूलर मेम्ब्रेन एंड कंपोज्ड ऑफ व्हाट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन एंड इट इज सेमी परमिएबल. किसके लिए सेमी परमिएबल? इट हेल्प्स इन नथिंग बट जस्ट अलाउ द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज सिर्फ आपका मिडगट ही करता है. इसके पास ही सेल्स है, एपिथेलियम ग्लैंडुलर सेल्स है. ठीक है? परफेक्ट. और आपकी पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन, क्योंकि मिडगट के पास कोई क्यूटिकुलर लाइनिंग नहीं है, तो पेरिट्रॉपिक मेम्ब्रेन क्या कर रही है? उसको फूड के एब्रेशन से भी प्रिवेंट करती है. ठीक है? ओके, समझ में आया सबको? दैट्स वंडरफुल, परफेक्ट.
थैंक यू गाइज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो सी यू टुडे एट 5 o'clock. अभी 4-5 बजे आपका मेंटी क्विज है, किसके ऊपर? एनिमल टिश्यू के ऊपर, ठीक है, इसी चैनल पे है. तो सी यू एट 5 o'clock एंड देन एट 7 o'clock विल बी टॉकिंग अबाउट डाइजेशन. अभी 11th का डाइजेशन पूरा फिनिश नहीं हुआ है ना, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, देन लिपिड्स, ये सारी चीज़ें हमें आज पढ़ना है, तो वो भी हम आज पढ़ लेंगे. ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल, वंडरफुल गाइज. सो सी यू गाइज एट 5 o'clock देन एंड देन आई सी यू एट 7 o'clock अगेन एंड टुमारो कॉकरोच का कंटिन्यूएशन हम करेंगे. ठीक है, 3 बजे कंटिन्यू करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. Okay guys, so see you all, take care and stay safe, okay?